पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एयरपोर्ट के उद्घाटन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अफसोस की बात है कि सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यक्रम को पूरी तरह से भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। जिला प्रशासन की ओर से निमंत्रण कार्ड छपवाए गए, उसमें सिर्फ भाजपा के प्रतिनिधियों के नाम छपे थे। सांसद एसटी हसन सहित समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक का नाम कार्ड में नहीं छापा गया, जो बहुत ही शर्मनाक है। एयरपोर्ट पुनर्की विधानसभा क्षेत्र में बना है और पुनर्की विधायक जियाउर रहमान बर्ग का नाम भी कार्ड में शामिल नहीं किया गया। इन्हीं सभी बातों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता को जिला महासचिव मुदस्सिर खान ने संबोधित किया। उनका कहना है कि सरकारी कार्यक्रम होते हुए भी किसी भी समाजवादी पार्टी के विधायक या सांसद को नहीं बुलाया गया, जो वाकई में शर्मनाक बात है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि आज जनपद मुरादाबाद में एयरपोर्ट का के उद्घाटन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, और एयरपोर्ट के जो कार्यक्रम उद्घाटन का जो कार्यक्रम था वो पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने सत्ता के दबाव में सरकारी कार्यक्रम को पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम बना डाला। ये कार्ड हमारे पास है जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लोगों के पास पहुँचा था। पहले जब ये कार्ड छपा था तो इसमें कुछ लोगों के नाम थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पर एतराज जताया और फिर कुछ और लोगों के नाम इसमें शामिल हुए। पहला कार्ड है आप पर? नहीं, पहला कार्ड हाँ हमारे पास है, जिसमें क्या था उसमें? जिसमें देखिए, ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम था, ना मुरादाबाद के मेयर साहब का नाम था, और भी कई नाम इसमें ऐसे हैं जो उसमें शामिल नहीं थे। एतराज जताया गया, सोशल मीडिया पर भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिखा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद डीएम साहब ने दोबारा ये कार्ड छपवाए। अफसोस की बात यह है कि जो एयरपोर्ट है वो कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बना हुआ है, और कुंदरकी के माननीय विधायक जियाउर रहमान वर्क साहब का इस कार्ड के अंदर नाम मौजूद नहीं है। माननीय सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब जो मुरादाबाद के सांसद हैं, उनका इस कार्ड में नाम शामिल नहीं है। जबकि आपको मालूम है कि माननीय सांसद जी ने इस मुद्दे को कई बार सदन में उठाया और सरकार को जल्द एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मजबूर किया, क्योंकि कार्यक्रम सरकारी था। ऐसी कंडीशन में किसी जिले के सिर्फ एक इकलौते विधायक का नाम लिखा होना और बाकी के पांच विधायकों की अनदेखी करना, माननीय सांसद जी को नाम तो छोड़िएगा, नाम नहीं है ये तो बड़ी बात है ही, उससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि किसी भी माननीय विधायक जी को और सांसद जी को निमंत्रण नहीं दिया गया एयरपोर्ट के उद्घाटन में जाने का। क्या तो फिर आप जानते हैं जिलाधिकारी महोदय अच्छे आदमी हैं, लेकिन सरकार का दबाव होगा और सरकार के दबाव में इस सरकारी कार्यक्रम को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया। अब आप बताइए, ये बातें लोकतंत्र में कितनी घटिया हैं? क्या ये लोकतंत्र में अच्छा संदेश है कि आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को की अनदेखी करेंगे और एक पार्टी विशेष के सिर्फ जनप्रतिनिधियों को बुलवाएंगे? क्या बाकी जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहीं है? इलेक्शन से पहले इस तरह के काम होना और जो लीडर्स हैं उनको शामिल ना करना, किस तरह से? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारी संस्थाओं पर कब्जा जमाए बैठी है, सारी संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, और यही हाल है कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए उपयोग और प्रयोग कर रही है। आप बताइए, अगर प्रशासनिक अधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी का काम करने लगेंगे तो फिर कहाँ लोकतंत्र बचेगा और कहाँ चुनाव बचेगा? तो क्या बहिष्कार? नहीं, हम समाजवादी पार्टी इस पर जिला प्रशासन और शासन के इस रवैये की सख्त मजम्मत करती है, और समाजवादी पार्टी जैसे ही विधानसभा चलेगी विधानसभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और भविष्य में लोकसभा में भी इस मुद्दे को मजबूती के साथ रखा जाएगा। और प्रशासन ने जिस तरह की अनदेखी की गई है, ये इस तरह की अनदेखी भविष्य में कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।